लेकिन घंटा लुगवी इस्तेला ही नहीं लुगाते घंटा कोई बना सकदो एक लम्हा ही घंटा है सा जी सा लम्हा भी होंदे मिनट भी होंदे बन सकदे तो जरा गोड़ नाल मर वजे जहर क्यों डबनी है हैं क्या बात थोड़े लफ्ज़ अर्ज करना है तवज्जो फरमाओ सुभान अल्लाह हजरत मौलाना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत व जमात की जान थे इमामुल गैरत उनको कहा जाए तो ये लफ्ज उनकी शान के लिए कम है जी यानी एक वो होता है कि एक बंदा इल्म पे नाज करे और दूसरा वो होता है कि इल्म जिस पे नाज करे एक होता है जो गैरत पे नाज करे एक होता है गैरत भी जिस पे नाज करे नारे तकबीर नारे नारे खत्म अहले सुन्नत व जमात के अजीम मोहसिनीन में से उनका एक सबसे बड़ा एहसान ये कि जो सुन्नी मजहब का निशान था एक नारा वो छीन लिया गया था तो उन्होंने छीन कर तुम्हें दे दिया जी और अमली तौर पर उन्होंने खत्म नबूवत का पहरा देकर और गुलामों से दिलाकर वादा कर दिया कि जो बड़े बड़े ना कर सके नबी के इस गुलाम ने करके दिखा दिया जी जान की परवाह नहीं की सेहत की परवाह नहीं की इस्लामाबाद की सर्दी कितना इस वक्त जी बारिश बरस रही थी ठंडी हवा चल रही थी जी और उसमें 103 या 5 का बुखार भी साथ बहाना नहीं बनाया कि मुझे बुखार है मैं क्यों हूं हालांकि बना सकते थे लेकिन उन्होंने कहा जान जाएगी लेकिन हुजूर की अजमत पर जो हमला करेगा तो उसका जवाब हम देकर रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह दिया और कामयाब तरीके से दिया और जो मुतालबा था वो मनवाया जी तो उनसे जो खला पैदा हुआ है वो मुश्किल से पुर होगा लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में जरूर ऐसी हस्तियां क्यामत तक भेजता रहेगा जी तो अल्लाह ताला कैसे दुआ करते हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाए तो उन्होंने मजहबी गैरत सिखाई ईमानी गैरत सिखाई और बच्चे बच्चे की जुबान पर जी यानी ये छोटे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह टोले बनाकर क्या कहते हैं लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल ये उन्हीं का मरहून मिन्नत है जी और ये जुमला आपको याद होगा यानी वो ऐसे तरीके से बोलते थे कि भाई बंदे के अंदर दलील ना दे तो गैरत पैदा हो जाए दलील ना भी दे तो जो मकसद वो पूरा हो जाए। हजरत अमीर मुआविया को कुछ लोगों ने गालियां दी थी जी तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था जी वो मौजूद है आपका बयान उसको सुने दोबारा ताजा कर सकते हैं। हजरत अमीर मुआविया हुजूर के साले हैं क्या कातिब वही हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 24 घंटे के मुस्तकिल सेक्रेटरी हैं आने वाले खतूत को पढ़ते भी थे और हुजूर से सुनकर उनका जवाब भी लिखते थे ये ड्यूटी थी उनकी जो नबी की खिदमत में ईमान की हालत में एक लम्हा भी आ जाए दुनिया का कोई कुतुब वक्त भी उसकी मिसल नहीं हो सकता तो जो 24 घंटे साल साल हुजूर साल हा साल हुजूर की खिदमत में कितना मर्तबा होगा। बेटा खराब था उनका खराब निकला बाद में ना उनके कहने पर निकला बल्कि उनकी उम्मीदों के बरखिलाफ निकला उनकी वफात के बाद खराब हुआ जी वो खराबियां फैलाई वफात के बाद लिहाजा बेटे की खराबियां बाप के जिम्मे नहीं होती समझ में आ गई। सहाबियत के नुक्ते की बुनियाद पर उनका एहतराम फर्ज है। तो अल्लामा रिजवी साहब से जब यह सवाल हुआ कि भी आप भी अपने तौर पर जवाब दें उन्होंने एक जुमला बोला जी कि हुजूर के सहाबा को भौंकते हो है हुजूर के सहाबा को भौंकते हो और फिर कहा दौर दौर कुत्ते मालकन पै गए हो है हुजूर ने जिनका हमें एहतराम का पाबंद बना था उल्ट चल पड़े
یہ کلمہ پڑھنے کا یہی تقاضا ہوتا ہے، یہی حق ہوتا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا، اور وہ ایسی ہستی تھی کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، جیسے علامہ اقبال کا وہ کلام زیادہ پڑھتے تھے، چلو اسی کو ہم پڑھ دیتے ہیں جی. روتی ہے جی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. چلو کسی نے تو ہمت کی، کوئی تو بولا نا اس میں سے. اب پہلے تو سارے خاموش تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی امانتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کے رسول والے مشن کو اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو جاری و ساری رکھے. اتنا چاہیے تھا نا، نثار تیری چہل پہل پر. میرا میلاد والا جملہ روکا تھا آپ نے، اس کو مکمل کر رہا ہوں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور انشاءاللہ سننی تھا جب تک بچہ زندہ ہے، نبی سے میلاد چرچے تھیندے رہ سے رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، لہذا قبولیت کے ٹائم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو چمکانے کے لیے ضروری ہے کہ درود بھی پڑھا جائے، سلام بھی پڑھا جائے. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیے.